प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को नींद ना आना, थकान, कमजोरी, पेट पर खुजली होना, पेट पर स्ट्रेच मार्क आना, इन सारी दिक्कतों के साथ साथ कुछ और भी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि आपके और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आने वाली कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जानने वाले हैं जो कि अगर आपको इस दौरान होती हैं तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि खतरा हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का अभी 9वां महीना चल रहा है या फिर 9वां महीना लगने वाला है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करती हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो गर्भवती महिलाओं को कई तरह की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उल्टी होना, मितली होना, घबराहट होना, बीपी लो होना, बीपी हाई होना, बेचैनी होना, सांस लेने में तकलीफ होना और उसके शरीर के कई सारे अंगों में जैसे कमर में, पैरों में, हाथों में, जांघों में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, पेट का एकदम से कड़क हो जाना, ऐसी कई सारी दिक्कतों का आपको इन दिनों सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे बदलाव भी होते हैं जो कि अगर 9वें महीने के दौरान लगातार आपको होते रहते हैं तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ने लग जाता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, 9वां महीना चल रहा है तो आपको इन बातों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आ रहा छोटा या बड़ा बदलाव आपके घर में पल रहे बच्चे को भी पूरी तरह से इफेक्टेड करता है। नंबर एक, सोने में दिक्कत होना। 9वां महीना आते आते आपके घर में पल रहे बच्चे का वजन काफी बढ़ जाता है, उसका आकार भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट नीचे की साइड में लदक जाता है। इसे बोलते हैं आपके बच्चे का हेड डाउन पोजिशन में आना। अगर आपका बच्चा 9वां महीना आते आते हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपका पेट का जो निचला हिस्सा है, पेल्विक एरिया है, वो भारी रहने लग जाता है। इसकी वजह से आपको रात के समय दाएं बाएं पीठ के बल सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको ना तो दाएं साइड सोने में रिलैक्स मिलता है ना बाएं साइड सोने में रिलैक्स मिलता है और पेल्विक एरिया में हल्का हल्का सा आपको दर्द भी होता रहता है, जिससे आपको अच्छी नींद नहीं आती है। और फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो इसका बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव आपके बच्चे की ग्रोथ पर पड़ने लग जाता है, क्योंकि शायद ही आपको पता हो कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना गर्भवती महिला सोती है उसी टाइम पर आपके शरीर से जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है और ब्लड की सप्लाई आपकी प्लेसेंटा के जरिए आपके बच्चे तक पहुंचती रहती है। और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका बच्चा एक्टिव रहेगा, उसको खाने के लिए पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, उसे ऑक्सीजन सही प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी और उसके शरीर तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आपके बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी, आपका बच्चा कमजोर होगा। ऐसी कंडीशन में आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपका बच्चा कमजोर हो सकता है, आपका सिजेरियन हो सकता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेज भी कम हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान अगर आपका पेट भारी रहने की वजह से रात को आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है जिसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है या फिर आप लेफ्ट साइड राइट साइड करवट लेकर नहीं सो पाती हैं तो आप कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम अपने लिए निकालें और आप आराम करें, जिससे कि आपका मूड पॉजिटिव रहेगा और इस दौरान अगर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा है बार बार पेशाब आना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 9वां महीना आते आते आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि आपके बच्चे का जो सर है वो आपके पैल्विक तक आ जाता है और जब भी आप उठती हैं, चलती फिरती हैं तो उससे वो पुश करता रहता है। और अगर रात के समय जब आप सोती हैं तो आप करवट चेंज करती हैं तो इसका पूरा दबाव आपके पैल्विक पर पड़ता है और आपको बार बार टॉयलेट कैसा मन होता रहता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपका पेट का पूरा जो दबाव है वो आपके पैल्विक पर आ जाता है और आपका जो ब्लैडर है वो यूरिन को ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट आती रहती है और इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेती हैं तो इससे आपको थकान, कमजोरी, घबराहट, बेचैनी,
ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं जो कि आपके बच्चे पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सोएंगे तो आपको कमजोरी होगी, और अगर आपको कमजोरी होने लग जाती है तो इसका बुरा प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। तीसरा है पेट पर स्ट्रेच मार्क करना। प्रेगनेंसी का नौवा महीना आते आते आपके पेट का साइज काफी बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच होती रहती है, और इस दौरान अगर आप हल्के फुल्के हाथ से खुजा भी लेती हैं पेट को, पेट के निचले हिस्से को, जांघों को, हाथों को अगर प्रॉपर खुजाती रहती है तो इससे आपके जांघों पर, आपके पेट पर, आपके ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कि आपके इन हिस्सों पर स्ट्रेच मार्क नहीं आए तो आप प्रेगनेंसी के 5वें महीने से, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से ही आपके शरीर में एकदम से बदलाव आना शुरू होता है, आपका वजन बढ़ता है, जिससे आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है, आपकी जांघें मोटी हो जाती हैं, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान से ही अपने पेट, अपनी ब्रेस्ट, अपनी जांघों पर स्ट्रेच मार्क क्रीम का इस्तेमाल करती रहें। स्ट्रेच मार्क क्रीम के साथ साथ आप बायो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, इसके साथ आप एलोवेरा जेल या फिर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी करती रहती हैं। अगर आप 5वें महीने से लेकर 9वें महीने तक, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है, तब तक आप प्रॉपर अपनी बॉडी पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क नहीं आती हैं। क्योंकि अगर 9वें महीने के दौरान आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क आए हैं, आपको खुजली, इरिटेशन होती है, और अगर आपको पता नहीं है और आप नाखूनों से अपने पेट के, आपकी नाभि के आसपास के हिस्से को खुजा लेती हैं, तो इससे आपके बच्चे तक इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में अपने पेट के किसी भी हिस्से को नाखूनों से ना खुजाएं, ये आपके बच्चे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान इन 3 बातों का ख्याल रखती हैं तो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का अभी कौन सा महीना चल रहा है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें। धन्यवाद।